में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई खालिद अंसारी के होटल मिड डे टाउन पर कुछ दिन पहले जीएसटी, अग्निशमन, जिला पूर्ति और बिजली विभाग ने एक साथ छापेमारी की थी। तहसील दिवस पर मोहम्मदाबाद के कुछ लोगों द्वारा होटल की शिकायत की गई थी। शिकायत पर एसडीएम भारत भार्गव के नेतृत्व में होटल पर छापेमारी की गई थी। जीएसटी, बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने तक होटल संचालित न किए जाने का नोटिस लगाया गया है। यहाँ पे अवैध रूप से होटल संचालित हो रहा है, जिसकी जांच हम लोगों ने दिनांक 1 जुलाई को की थी, जिसमें काफी सारी कमियां पाई गई। जैसे विद्युत सुरक्षा संबंधित कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था और जीएसटी भी इनके कैंसिल थी, इसलिए इनको निर्देशित किया गया है कि क्योंकि गर्मी और इन अनापत्तियों को देखते हुए इनको कहा गया है कि जब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र आपसे प्राप्त नहीं हो जाता जो संबंधित विभाग है, तब तक आप इस होटल का संचालन न करें। नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चे को सजा देने के नाम पर छात्रों के बाल काटे। छात्रों के बाल काटे जाने को लेकर अभिभावकों में गुस्सा है। छात्रों के परिजनों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने टीचर को स्कूल से निकाल दिया है। शांति इंटरनेशनल स्कूल में एक मामला सामने आया जिसमें एक टीचर जिनका नाम सुषमा है, उन्होंने कल यानी 5 जुलाई 2023 को कुछ बच्चों के बाल काट दिए थे और 10 से 12 बच्चों के बाल काटे गए थे, जिन्होंने आज 6 जुलाई को थाने में आकर सूचना दी और स्कूल में से जब सूचना मिली फिर पुलिस दौरान मौके पर पहुंचा गया और दोनों पक्षों में बात हुई तो स्कूल ने ये फैसला लिया कि टीचर को टर्मिनेट कर दिया आज से। अभी दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है और अनुमोदित कार्य प्रस्तुत है। अगर आपका बिजली का बिल बकाया है, आपने अभी तक जमा नहीं किया तो फौरन जमा करा दीजिए, क्योंकि ऊर्जा मंत्री के आदेश के बाद अब आपका कनेक्शन कट सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर के बात बकाया के लिए मुरादी करा दी जाए।